Welcome back to our channel, Deepak Sharier. Well guys, आज मैं आपको कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूँ जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर के आएगा और जो आपके अंदर कुछ चेंज लेकर के आ सकता है. That one is the desire. ये डिजायर होता क्या है, इच्छा क्या होती है? डिजायर मीन्स दैट आपको अपने अंदर किसी ना किसी चीज का डिजायर जनरेट करना पड़ेगा. वेल गाइस, मैं आपको एक चीज क्लियर करा देना चाहता हूं कि डिजायर अगर आपका नहीं होगा तो आप कोई भी एक्शन नहीं लोगे. आपको डिजायर आपके पास होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे वो डांसिंग का हो, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो लीडरशिप का हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के ऊपर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर आपको अगर जाना है तो आपके अंदर डिजायर तो होना चाहिए. आपके अंदर डिजायर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला को समझ में आना चाहिए कि आप उस चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हो. वेल, जब आपका डिजायर अगर हो जाता है, जब आप डिजायर किसी चीज के लिए जनरेट कर लेते हैं या आपको ये चीज बनना ही बनना है या आपको ऐसा पर्सनालिटी बनाना ही बनाना है, तो आपके अंदर वो चीज एग्जिस्ट करने लगती है कि कैसे आप उस चीज को एलोबरेट करोगे उसके बारे में. देन यू कैन फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन. जब आपके अंदर डिजायर आएगा तो आप इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करो कि कहां से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में या जो भी आप बनना चाहते हो उसके बारे में. आप इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करो, इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लो. जब ज्यादा से ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन लोगे, देन यू हैव टू टेक द एक्शन. बार बार उस चीज के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन लेने से भी कुछ नहीं होगा. आप जो भी इन्फॉर्मेशन लो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप एक्शन करो, या इन्फॉर्मेशन उस इंसान से लो जिस इंसान ने उस फील्ड में कुछ किया है. आप बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास वो इंटरेक्शन में वो लोग नहीं आ सकते जिस तरह हम बनना चाहते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं. आप उनके वीडियोस देखो, आप उनसे कुछ ना कुछ उनकी चीज ऑब्जर्वेशन करो उनके बारे में. आप उनके वीडियोस देखो और उनको ऑब्जर्व करो, वो किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जब वो पढ़ा रहे होते हैं या कुछ भी बता रहे होते हैं, जब वो अपने उस पर्टिकुलर पैशन में या डिजायर जो भी उनका है, जो भी एक्शन कर रहे हैं वो उसमें जब वो इन्वॉल्व होते हैं. तो अपने फॉलो करो, वहां पे फॉलो करोगे तो वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. फॉलो करने के बाद जब आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे, सीख के जब उसे आप एक्शन में लेकर के आओगे, आप उसे अप्लाई करोगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग फीलिंग हो. उनकी कुछ अलग फीलिंग थी, आपकी कुछ अलग फीलिंग होगी. फिर आप उसमें जब आप एक्शन लेते हो तो आप कुछ नया सीख रहे होते हो. कुछ जब नया सीखोगे तो आपको जो फीलिंग आएगी उससे आपका जो रिजल्ट आएगा वो बेटर या तो बैड हो सकता है दोनों में से, लेकिन दोनों सिनेरियो के लिए हमें तैयार होना है. आप अगर दोनों सिनेरियो के लिए जब आप तैयार हैं, यू हैव टू टेक द एक्शन. सी, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, बट आप कुछ एक्शन लोगे तो कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा. अगर हम इनपुट देंगे तो आउटपुट तो आना ही आना है, बट अगर हम इनपुट ही नहीं देंगे तो आउटपुट कैसे आएगा यार? आप सोचो जरा इस बात को कि भाई आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर हम कुछ करेंगे तो ही कुछ होने वाला है. स्टार्ट डूइंग मोर. आप कुछ ना कुछ करते रहो यार. आप कुछ बेटर करो, कुछ क्वालिटी वाइज करो. आप अपने अपने लेवल पे कुछ अच्छी अच्छी चीजें करो. जब आप करोगे तो आपको रियलाइजेशन होगा. स्टार्टिंग से मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग में कैमरे के सामने इतना बेटर तरीके से नहीं बोल पा रहा था जितना तरीके से अभी बोल पा रहा हूँ, बट मैंने स्टार्ट किया ना, मुझे कुछ रिजल्ट आए, मुझे काफी बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं, और रिजल्ट आउटकम देखते देखते मैं कुछ बेटर बोलने लगा हूँ ना. मैं इतना बेहतर तरीके से आपको बता पा रहा हूँ और इतने अच्छे से अपने हैंड्स को मूवमेंट कर पा रहा हूँ, इतने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैं आपको बता पा रहा हूँ कि कैसे इन चीजों को ग्रैप किया जाए, कैसे इन सब चीजों को सीखा जाए. ये सारी चीजें बहुत जरूरी है. अब इस बात को समझो, दिस वन इज वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग. आपको समझना पड़ेगा इस चीज को. जब आप बारीकी से चीजों को समझते हो ना, देन यू विल गोइंग टू टेक द एक्शन, देन यू विल गेट टू विन. आप विन होते हो, बट आप एक्शन ही नहीं लोगे तो फिर क्या हो? टाइम वेस्ट नहीं करो, राइट यूटिलाइज करो, कुछ ना कुछ करते रहो. समथिंग डूइंग मोर, इम्प्रूवमेंट तो होगा. कुछ भी करोगे तो रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे ना. डू समथिंग मोर यार. तो आज के लिए बस इतना ही. आप सभी को मैं कुछ ऐसे चीजें बताता रहता हूँ इस चैनल पे. इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं,
ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को जान पाए। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो या अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर के आना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख के बताओ कि सर आई वॉन्ट टू चेंज, मैं चेंज करना चाहता हूँ या मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, इस वीडियो से आपने क्या सीखा हो आप मुझे बताओ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू लेटर।